I think it's wrong to stall the proceedings of the parliament, more so because crores of rupees goes wasted, and convening a session of parliament itself is a big task, and so many bills are to be passed, so much transactions have to be passed on, and under the circumstances, if some party is trying to stall the proceedings, it is wrong, definitely wrong. It's definitely wrong. If they have differences to be presented or protest against certain moves of the existing government, there are better means and methods. क्योंकि अगर संसद चलेगा तो मुद्दा और भी उठेगा ना, एक ही मुद्दे को पकड़ के इतना देर वो लोग बैठने वाले. कांग्रेस को नहीं, सबको यही संदेश है, संसद चलने दो और आप जब जीरो आवर रहता है तभी उठाओ और जो करना है आपको करो. देखो, कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी को कि ये सरकार नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये सरकार तो अभी एक साल में तो कुछ समझ नहीं पाता है चलेगी क्या नहीं चलेगी, लेकिन अगर ये चार साल के अंदर कुछ करके दिखाया बीजेपी सरकार ने तो ये चल सकती है. कांग्रेस सरकार ने तो 15 साल से लूट के खाया है, अभी बीजेपी सरकार को एक साल हो गया आके, तो एक साल में तो अभी वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अभी 4 साल उसके पास बाकी, अगर उसको अगले 5 साल में आना चाहिए. बीजेपी एक हिसाब से सही भी है और एक हिसाब से गलत भी है. सबसे बड़ी बात आती है कि लोकसभा में जब कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए. चर्चा होके जब वो चर्चा से कोई ये निकलेगा, कोई भी अभी आज तक जितने विधायक आए हैं तो वो चर्चा से निकल रहे हैं, तो चर्चा होना चाहिए. कौन सा भी ये हो, मुद्दा हो, उसके ऊपर अगर चर्चा विरोधी हो या जो सरकार की तरफ से जो लोग हैं, जो ये वहाँ पे लोग लोकसभा में बैठे हैं, नहीं ये गलत है. ये जैसे राज्य घटना की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से वो उभर कर आता है कि ये गलत है. किसी भी सांसद ने हमारा लोकसभा का टाइमिंग जो जनता के लिए यूज़ किया जाता है वो जनता के लिए यूज़ होना चाहिए. ये लोग उधर बैठे चर्चा के लिए बैठे, अगर चर्चा नहीं करना है तो लोकसभा छोड़ दो.